क्या हुआ, क्यों इतना शांत बैठे हो? धूप लग रही है? धूप है, धूप धूप लग रही है। रोजे से हो? रोजे, रोजा पूरा रहते हो? कितने घंटे ड्यूटी कर रहे हैं? कितना साल हो गया मतलब दुबई आए हुए? अभी तो इस कंपनी में 1 साल हो गया। हाँ। और इससे पहले आया था वो अशपर में, उसमें 2 साल गुजारा। 2 साल कैसा लग रहा है दुबई में? अच्छा है बस। सैलरी तो मिल रही है टाइम टू टाइम? सैलरी कैसे, कंपनी की सैलरी कितनी? मैं हूँ आज एक साइट पर, तो विज़िट करने आया था, तो साइट विज़िट कर रहा था तो तब तक एक भाई दिख गया, तो मैं सोचा यार लाओ इससे बात करता हूँ। बहुत तगड़ी धूप है, रमज़ान का महीना चल रहा है, तो मैं सोचा भाई से बात करता हूँ, देखता हूँ भाई के क्या है, भाई कहाँ से रहने वाले हैं, क्या किए हैं। क्या हुआ, क्यों इतना शांत बैठे हो? धूप लग रही है? धूप है, धूप धूप लग रही है। रोजे से हो? रोजे, रोज़ा पूरा रहते हो? कितने घंटे ड्यूटी कर रहे हैं? सुबह 6 से अच्छा 2 बजे। सुबह 6 बजे से 2 बजे तक, मतलब 8-7 घंटे ड्यूटी हो गई। 6 बजे तो 7 बजे से ही लगते होंगे? हाँ बस वही साथ, लेकिन 6 बजे तो उठता है काम वक्त। रमज़ान में कम रहता है ओवर टाइम? ओवर टाइम नहीं मिल रही अभी? क्यों? रोज़ा में नहीं, रोज़ा में नहीं है। और कब से आए हो दुबई? 1 साल 1 महीना हो गया। क्या नाम है आपका? पीर मोहम्मद। पीर मोहम्मद, कहाँ से हो? पाकिस्तान से। पाकिस्तान, यहाँ कितना साल हो गया मतलब दुबई आए हुए? अभी तो इस कंपनी में 1 साल हो गया। हाँ। और इससे पहले आया था वो अशपर में, उसमें 2 साल गुजारा। 2 साल कैसा लग रहा है दुबई में? अच्छा है बस। सैलरी तो मिल रही है टाइम टू टाइम? सैलरी कैसे, कंपनी की सैलरी कितनी दे रही है? यहाँ पे हेल्पर की सैलरी कितनी दे रही है एज ए स्टार्टिंग? स्टार्टिंग 1000 दिराम। ओवर टाइम मिला उला के 1300-1400 बन जाता? वही बन जाता 1300-1400, मतलब इंडियन बन गया 13×26 30,000 रुपये के आसपास इंडियन। पाकिस्तान में तो और ज़्यादा हो गया। हाँ, उधर कितना बनता है? उधर 1000 से तकरीबन 80,000 बनता है। 80,000 रुपये बनता है? लेकिन महंगाई भी तो बहुत है भाई, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। केला मिल रहा है 500 रुपये दर्जन है, सब कुछ बहुत महंगा। तो यहाँ पे काम कैसा है, मतलब कि अपने अपने मुल्क से अच्छा काम है कि यहाँ पे रिलैक्सेशन अच्छा है, क्या है? नहीं यार, उधर अपना मुल्क का काम होता है, इधर अच्छा। लेकिन ये कंपनी आपकी तो अच्छी है? हाँ, जिस कंपनी में तो अच्छी है, कंपनी अच्छी है आपका। सैलरी वगैरह टाइम पे रहती है? बिल्कुल। अगर जैसे कोई प्रॉब्लम होती है, मतलब कोई मेडिकल इश्यूज आता है तो कंपनी देती है? देती है पूरा पूरा। ओके, तब तो कंपनी अच्छी है आपकी। तो अभी कितनी कंपनी चेंज कर लिया है? कितनी कंपनी चेंज कर लिया? ये दूसरा है, दूसरा कंपनी है। और ये अभी है, इधर आया। अच्छा, अभी ये दूसरी कंपनी है। कितना साल हुआ था, कितना साल हुआ आए हुए यहाँ पे दुबई? बताया था आपने, भूल गया मैं। दुबई पहले मैं अशपार में था, उसमें 2 साल। टोटल कितना साल हुआ? 3 साल। 3 साल अभी आए हुए? 3 साल में। अच्छा, एज अ जो फ्रेशर हैं, जो इंडिया में देख रहे हैं, पाकिस्तान में देख रहे हैं, जो बांग्लादेश में मुल्क में देख रहे हैं, जो एज अ हेल्पर अगर यहाँ पे आ रहे हैं, तो एज अ स्टार्टिंग सैलरी कितनी मिलती है? स्टार्टिंग सैलरी अभी ये हेल्पर की तो वो कम लगाता है। कितना? 600 प्लस 400। 600-400 मतलब 1000 दिराम टोटल, और प्लस OT मिला के 1200-1300 रुपये बन जाएगा। और जो वो होते हैं, क्या नाम है, मेसन होते हैं, कारपेंटर होते हैं, मार्बल वाले, 1200 और प्लस OT मिला के उनका 1500-1600-1700 दिराम। मतलब इंडियन 32,000-35,000 रुपये मेसन का मिल जाता है, और हेल्पर की सैलरी इंडियन 30,000-32,000-30,000 रुपये के आसपास इंडियन की सैलरी होती है। तो अच्छा है, अच्छा है, मतलब खुश हो। तो ये भाई, ये पीर मोहम्मद हैं, यहाँ के हेल्पर हैं। गर्मी इतनी तेज़ है भाई, धूप इतनी तेज़ है, बता नहीं सकता हूँ कि मैं अभी खड़ा होकर भाई से बात कर रहा हूँ, तो मैं अभी रोज़े से हूँ, तो सोच नहीं सकते इस गर्मी में काम करना, लेकिन थोड़ा बहुत रिलैक्स तो आराम कर लिया करो छाए में ना भाई। तो ये भाई पीर मोहम्मद हैं, तो हेल्पर के अच्छे हैं, खुश हैं, मतलब यहाँ पे सैलरी अच्छी मिल रही है इनको। ये थे पीर मोहम्मद, और यहाँ पे यार इतनी तेज़ धूप है कि मैं इनसे बात कर रहा था तो मेरे मतलब कि एकदम लग रही है धूप अच्छी वाली, तो बात कर रहा था थोड़ा सा, यहाँ पे बैठा था, साइट विज़िट किया, तो मैंने सोचा कि एक हेल्पर की भी वीडियो बनाई जाए, उनका भी पूछा जाए उनके बारे में। लेकिन ये कंपनी अच्छी है, जिस कंपनी में है इसका टाइम टेबल बहुत अच्छा है, सैलरी अच्छी है, और काफ़ी ज़्यादा मतलब हेल्पर की काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है ये कंपनी। जेन्युइन कंपनी, अच्छी कंपनी है, जेन्युइन मीन्स अच्छी कंपनी है। सैलरी टाइम रहता है, OT अगर आपने किया तो वो भी आपको दिया जाता है, तो ये बहुत अच्छा है। इनका रूल रेगुलेशन टाइम टेबल बहुत अच्छा है,
बाकी मेरा मकसद ये था बनाने का भाई, यहाँ पे इंडिया में हेल्पर 30-35 हज़ार रुपया नहीं कमा, मतलब कमाता है हेल्पर की सैलरी, लेकिन यहाँ पे भी हेल्पर के मैं दिखाना चाहता हूँ हेल्पर की यहाँ पे एज अ हेल्पर यहाँ पे कितनी सैलरी होती है। तो यहाँ पे एज अ हेल्पर 30-35 हज़ार रुपया सैलरी है इंडिया के हिसाब से, और मेसन की भाई 35-40 हज़ार रुपया मेसन यहाँ पे कमा लेता है अगर वो अच्छी कंपनी में, अगर उसका ज्वाइनिंग हो गया, रूल रेगुलेशन होता है, काम इतना नहीं होता क्योंकि जो ये क्या नाम है रमज़ान है, रमज़ान की वजह से यहाँ पे काम भी इतना नहीं होता है, रिलैक्सेशन बहुत होता है, 6-7 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी नहीं होती है, ऑफिशियल 7 घंटे होती है और ऐसे 6 घंटे की ड्यूटी होती है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा। हर कोई भी कंपनी मान लो कि इवन आपकी क्रिश्चियन की हो, नॉन मुस्लिम की कंपनी हो, वो भी भाई बहुत रिलैक्सेशन देते हैं, ठीक है। तो ऐसी वीडियो के लिए भाई लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और भाई को सब्सक्राइब करना मत भूलना।